हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग 11th क्लास में डाइमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम लोगों ने यूनिट्स, मेजरमेंट्स वगैरह भी पढ़े थे। अब आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से उसकी कुछ प्रॉब्लम्स, अलग अलग जो यूज मैंने बताए थे, डेरिवेशन बताया, यूनिट कन्वर्जन बताया, या चेक द रिलेशन बताया, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हम उन चीजों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दो तीन में कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर बाकी आप लोग भी तय कीजिएगा। तो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर मैं ले रहा हूं, इफ फ्रिक्वेंसी। बेसिकली ये प्रॉब्लम थोड़ी हटके है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एक्सेट्रा, या फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, टाइम, मास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट ये प्रॉब्लम थोड़ा हटके है, इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ही दूसरी है। कैसे? इफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल यूनिट इज फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी डी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। हमने इन्हें फंडामेंटल माना, देन फाइंड आउट द डाइमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। इसको रिवर्स कर दिया, यानी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी दूसरी है और हम इसमें मोमेंटम का डाइमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब भी आपके सामने आएंगी तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे देख के दिस क्वांटिटी मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी। सो मोमेंटम आपको पता है सिंबल होता है पी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी, डेंसिटी यहां दिया हुआ था कैपिटल डी से, डेंसिटी टू द पावर सी। डेरिवेशन में हमने कहा था कि प्रोपोर्शनल की साइन हटेगा और इसकी जगह क्या लगेगा बेटा, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो मैं कहूंगा मोमेंटम इज इक्वल्स टू डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के, फ्रीक्वेंसी टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी, डेंसिटी टू द पावर सी। नाउ राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो पी की डायमेंशन होती है मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी, मैंने इसको कहा एम एल टी माइनस वन। के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं वन अपॉन टाइम, ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस वन पावर हो गई ए। देन वेलोसिटी इसकी पावर हो गई बी, एल टी माइनस वन पावर बी। एंड डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम टू द पावर सी। अब जैसा कि पहले भी किया हुआ है हमने क्वेश्चंस में, इनको दोनों को इक्वेट करना है, तो यहां तो सेम रहेगा एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस वन। इसको देखिए यहां एम है और एम की पावर कितनी आ रही है यहां पर सी। देन एल, एल इस टर्म में नहीं है, यहां पर एल की पावर बी है और यहां पर एल टू द पावर माइनस थ्री सी, तो बी माइनस थ्री सी। देन टी, टी टू द पावर माइनस ए, इस स्टेप से यहां से आ रहा है माइनस बी। नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड को कंपेयर कीजिए इसको इसको। तो यहां से देख रहे हैं सी, एम की पावर सी है, यहां पर एम की पावर वन है, देन सी इज इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट आ रहा है एल टू द पावर बी माइनस थ्री सी, बी माइनस थ्री सी इक्वल्स टू वन। वन की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये क्या आई, सी की वैल्यू वन रखने पर बी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन, देन बी इक्वल्स टू फोर। नाउ थर्ड, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, राइट, इंप्लाइज दैट a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। अब b की वैल्यू यहां पर रख दीजिए फोर, आपके पास सोल्यूशन आता है a इज इक्वल टू माइनस थ्री।
जब b की वैल्यू यहाँ 4 रखी तो 4a is equals to minus 3. Now write down, substitute these values a, b, c in this relation. a, b, c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो मोमेंटम आएगा आपका, मोमेंटम इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट, दैट कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी टू द पावर a की वैल्यू माइनस 3. देन वेलोसिटी, वेलोसिटी टू द पावर b यानी 4, एंड d डेंसिटी टू द पावर 1. हमने डायमेंशन पूछी थी तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ p इज d v टू द पावर 4 f टू द पावर माइनस 3. दिस इज द आंसर. ये वैसे नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है. इसमें फंडामेंटल यूनिट्स हमने कंसिडर की और फिर हमने इसको नए सिरे से मोमेंटम की डायमेंशन निकाल के देखी. तो इस तरह से अभी हम वन बाय वन और प्रॉब्लम भी करते हैं. ठीक है, नाउ वी टेक अ सेकेंड प्रॉब्लम. और सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी. मैंने आपसे पूछना है यहां पर कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन दिस. यहां आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, p इज इक्वल्स टू a माइनस t स्क्वायर अपॉन बी एक्स. बेटा जब इस तरह की प्रॉब्लम हम दे रहे हैं कि कोई हमें रिलेशन दिया और हमें डायमेंशन निकालनी है तो ये समझिए या तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से नहीं होगा या हमें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां जो है वो होमोजेनिटी की प्रॉब्लम आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं. तो इसमें आपको कहा गया है p इज इक्वल्स टू a माइनस t स्क्वायर अपॉन बी एक्स और पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाय b. सबसे पहले रिलेशन p इज इक्वल्स टू a माइनस t स्क्वायर अपॉन बी एक्स, जहां p क्या है आपका, p इज प्रेशर, ये है प्रेशर. तो प्रेशर की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, x इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन हमें पता है, L होती है, t इज टाइम, टाइम की डायमेंशन हमें पता होती है. तो सबसे पहले डायमेंशंस नोट कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज m l t माइनस 2 अपॉन एरिया l 2. तो प्रेशर की डायमेंशन आएगी यहां से m l माइनस 1 t माइनस 2. क्लियर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. तो अब इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल्स टू a अपॉन बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स. ये रिलेशन आपके सामने ऐसे लिखा जा सकता है. मुझे डायमेंशन कैलकुलेट करनी है किसकी, a बाय b. तो यहां पर फर्स्ट स्टेप पे a अपॉन b आ रहा है और इस वाले में क्या है, t स्क्वायर अपॉन बी एक्स. तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहां पे पता चल रहा है a अपॉन बी एक्स इज हेयर. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि ओनली दोज टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हूज डायमेंशंस आर सेम एंड द रिलेशन इज ट्रू ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड डायमेंशंस आर इक्वल टू द लेफ्ट राइट हैंड डायमेंशन. तो यहां से क्या आया कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन बी एक्स दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t स्क्वायर बाय बी एक्स. नाउ हमें a अपॉन बी चाहिए तो इसमें इन दोनों स्टेप को लीजिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज m एल माइनस 1 टी माइनस 2. नाउ दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन b, x इज डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन लिख दीजिए l. हमें कैलकुलेट क्या करना है, a by b. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a by b इज l, यहां मल्टीप्लाई हो गया m l माइनस 1 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय l, देन m t माइनस 2. So this is the dimension of a upon b.
ये एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमें माइंड सेट करना होता है कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, कहां से हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है। ये थी सेकंड प्रॉब्लम, अब लेते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम जो थोड़ी सी टिपिकल कही जाती है, वैसे बहुत नॉर्मल है, आप डिराइव द रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। यहां पर अब हमारे पास ये प्रॉब्लम रिलेटेड है फ्लूइड डायनेमिक्स से, तो इससे थोड़ी टफ लगती है बच्चों को भी कि आगे की चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहां हम देख रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कुछ टर्म्स आ रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन किस पर, प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी नया टर्म है आपने सुना नहीं है, रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, फाइंड द रिलेशन। तो जब मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, एक ट्यूब है और इस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है, या ये ट्यूब सेम एरिया की रेडियस की है बिल्कुल, पाइप जिसे हम कहते हैं, और इस पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वो कहलाता है रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो मींस रेट ऑफ फ्लो, आप इनकी डायमेंशंस नोट करते चलिए, वॉल्यूम अपॉन टाइम, मैंने कहा कितना वॉल्यूम पानी का कितने टाइम में, तो वॉल्यूम होता है एल थ्री, टाइम के लिए हम कैपिटल की लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो दैट इज इक्वल्स टू एल थ्री टी माइनस वन। ये आ गई आपके पास डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो दैट इज एल थ्री टी माइनस वन। सेकेंड आ गया प्रेशर ग्रेडियंट, बेटा ग्रेडियंट हम वहां लगाते हैं जहां हम किसी चीज का रेशियो निकाल लें विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। यहां देख रहे पी बाय एल प्रेशर था, उसको डिवाइड किससे किया, लेंथ से, कि कितना चेंज हो रहा है, द चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कर दीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर को विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कर दीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो पोटेंशियल को लीजिए डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो ग्रेडियंट वर्ड ही वहां आएगा जहां हम रेशियो निकाल रहे हैं किसके साथ, लेंथ के साथ। तो अब प्रेशर ग्रेडियंट के क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज पी बाय एल, प्रेशर का अभी हमने निकाला था एम एल माइनस वन टी माइनस टू, फोर्स अपॉन एरिया से निकाल सकता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल टू, कैंसिल कीजिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डिवाइड किससे करना है एल से, तो प्रेशर ग्रेडियंट का कितना आ गया, ये आ गया एम एल माइनस टू टी माइनस टू। आपके पास दोनों डायमेंशन आ गई, रेडियस ऑफ द ट्यूब सीधी सी बात है लेंथ है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं बताया क्योंकि आगे चल के स्टॉक्स थ्योरम हम पढ़ेंगे लिक्विड में, तो वहां पर हम देखेंगे, अभी आप पजल हो जाएंगे। तो जो आपको ये डायमेंशंस मैंने बताई, इन डायमेंशंस की हेल्प से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ ट्यूब एंड कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, फाइंड रिलेशन। अब इसका मतलब ये हुआ हमें क्या लिखना दे रखा है कि दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय एल टू द पावर ए प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस टू द पावर बी, ईटा टू द पावर सी, देन एनी कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट के पी बाय एल टू द पावर ए आर टू द पावर बी ईटा टू द पावर सी। नाउ राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ दिस, तो वी की डायमेंशन बेटा है एल थ्री टी माइनस वन, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, प्रेशर अपॉन ग्रेडियंट इसकी डायमेंशन क्या थी एम एल माइनस टू टी माइनस टू टू द पावर ए, रेडियस की है एल टू द पावर बी, और ईटा के लिए आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर सी।
अब इन्हें इक्वेट करने से पहले मैं यहां लिखूंगा m टू द पावर 0 l 3 t माइनस 1। यहां इन्हें इक्वेट कीजिए, m की पावर कितनी हुई है, यहां से है a एंड हियर इज c, देन दे कैन राइट इट एज a प्लस c। l हियर माइनस 2a फ्रॉम दिस प्लस b फ्रॉम दिस माइनस c। नेक्स्ट t माइनस 2a एंड फ्रॉम हेयर माइनस सी। सो नाउ यू गेट द डायमेंशन ऑफ एम एल टी एंड कम नाउ कंपेयर दिस। ए प्लस सी कितना हुआ, ए प्लस सी इज 0, माइनस 2a प्लस बी माइनस सी दैट इज 3, एंड द लास्ट वन इज माइनस 2a माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1। Now solve these equations and find out the value of a, b, c. उसके लिए from first equation a is equals to minus c. देखिए पहली equation क्या है, a plus c is equals to 0. If a plus c is equals to 0, then a is equals to minus c from first equation. And put it well this value in equation number 3. Equation 3 क्या है मेरी, 2a minus c is equals to minus 1. माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ए, देन माइनस टू ए प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस 1, देन ए इज इक्वल्स टू 1। सो द फर्स्ट वैल्यू इज ए इज इक्वल्स टू 1। फिर सी की भी यहां से आ जाती है, इसका मतलब सी इज इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ यू वांट वी वांट टू फाइंड आउट बी, तो सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है माइनस 2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 3। अब इन वैल्यूज को रखिए, a की वैल्यू 1 है, देन माइनस 2 प्लस बी माइनस माइनस प्लस प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 4। तो आपके पास a b c सभी की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट p अपॉन l टू द पावर a यानी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू r टू द पावर b, r b की वैल्यू 4, तो r 4, और लास्ट है ईटा, ईटा की पावर है माइनस 1 देन ईटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। बट आज मैंने आपके सामने तो 2-3 प्रॉब्लम्स रखी हैं, और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकें। आपकी प्रैक्टिस, आपको जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपकी कमांड बनेगी कॉन्सेप्ट्स पर, उतना अच्छा कमांड बनेगी आपकी फिजिक्स पर। थैंक यू।